हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यह समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपका मियाज़म जो है वो तो क्लियर कर ही देगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उन स्टूडेंट को इस बुक से पढ़ना चाहिए जिनको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में लिखना क्या है। ऑलराइट, कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मियाज़म की, वो सारी अवेलेबल है इस बुक में। मियाज़म अ सिंप्लीफाइड व्यू, जो कि आप देख सकते हैं कंसाइज्ड फॉर्म की बुक है जो मैंने ही लिखी है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को अगर किसी बुक में वो 20 पेज में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको जब उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ आप निकालते हो तो वो सिर्फ 2 पेज की होती है। ऑलराइट, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी किताबों में जो बहुत सारे पेज थे, ठीक है, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैंने इस बुक में लिख दी है। ऑलराइट, तो मियाज़म क्या है सबसे पहली बात, उसकी डेफिनेशन जिनको भी नहीं पता वो पढ़नी है, ठीक है। मियाज़म की डेफिनेशन क्या है, मियाज़म कितने तरीके का होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मियाज़म, हर मियाज़म को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेशली जो क्रॉनिक मियाज़म है, दैट इज सोरा सिफिलिस साइकोसिस, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो व्यूज़ हैं, डिफरेंट व्यूज़ दैट बाय द केंट, बाय एच ए रॉबर्ट, वो भी इस बुक में लिखे हुए हैं। ऑलराइट, तो फिलोसॉफी को भी इस बुक ने कवर किया हुआ है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट जो है कि तीनों मियाज़म का ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा, और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के कौन से एफोरिज्म हैं जिसमें मियाज़म को बताया हुआ है वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो ये बुक जो है ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि हमको मियाज़म कौन सी बुक से पढ़ना है, या फिर मियाज़म में क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो जानना ही ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम में लिखनी ही लिखनी है, जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपको इस बुक में मिल जाएगी कि यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी किताबों से पढ़ के नोट्स बनाते हैं, तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये आपका नोट्स है, इसमें आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी। इस बुक को बनाया इस तरीके से गया है कि आपके एक मेमोरी जो बनती है, विजुअल मेमोरी, वो आपके दिमाग में जाके बन जाए, छप जाए। आप कितनी बुक से मियाज़म को देखोगे तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली जो मियाज़म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, और जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इस बुक में कवर्ड की हुई है। ऑलराइट, और अगर आपको वीडियोस देखनी है मेरी मियाज़म के ऊपर तो आपको वीडियोस चैनल पे मिल जाएगी कि मियाज़म की डेफिनेशन क्या है, मियाज़म टाइप्स को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, सारी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको वो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी है इस बुक के रिगार्डिंग, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथ।